दोस्तों, नयागढ़ पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य का एक जिला है जो बाईसपाली वन्यजीव अभयारण्य का घर है। जहां तक प्राकृतिक दृश्य की बात है तो एक हिल स्टेशन की तरह है। छेनापोड़ पसंदीदा मिठाई है जिसके लिए ओडिशा में नयागढ़ प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर एक पर आता है कंटीर नीलमाधव मंदिर। पूरे ओडिशा में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। महानदी नदी के किनारे पर कंटीर नीलमाधव मंदिर स्थित है। यहाँ दो पहाड़ियाँ हैं जो घने जंगलों से आच्छादित है। इस स्थान का मुख्य आकर्षण पवित्र जल है जो भगवान सिद्धेश्वर और भगवान नीलमाधव के चरणों से लगातार बहता है। हालांकि भगवान जगन्नाथ के इस पंथ में हमेशा केंद्रीय स्थान भगवान नीलमाधव को दिया जाता है। भगवान नीलमाधव का मंदिर यहाँ भी लक्ष्मी मंदिर के दाईं ओर स्थित है जो पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। नंबर दो पर आता है कुंवरिया। नयागढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सूर्यमय स्थान है जिसमें नीली पहाड़ियों से घिरा एक विशाल जलाशय और कुंवरिया नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबा बांध शामिल है। मुख्य आकर्षण में नदी के किनारे 6 एकड़ में फैला एक बड़ा हिरण पार्क है। पार्क में लगभग 160 चीतीदार हिरण, भौंकने वाले हिरण और सांबर की संख्या है। सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी इस जलाशय में आते हैं। पहाड़ियों, नदी, जंगलों और हिरण पार्क की शांत सुंदरता इस जगह को पर्यटकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। नंबर तीन पर आता है लड़ू बाबा मंदिर। नयागढ़ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारंगकुल 15वीं सदी के श्री लड़ूकेश्वर के मंदिर के साथ गौरवान्वित है जिसे लड़ू बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पीठासीन देवता को हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि शिव के संयुक्त रूप के रूप में जाना जाता है, जैसा कि भुवनेश्वर में श्री लिंगराज के मामले में है। महाशिवरात्रि के अवसर पर दूर दराज के तीर्थयात्री सारंगकुल आते हैं। नंबर चार पर है पाणिख्या वाटरफॉल। नयागढ़ से 24 किलोमीटर की दूरी पर सिमली गांव के पास और भुवनेश्वर से 107 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ लोग इसे सिमली वाटरफॉल भी कहते हैं। ये हरे भरे पेड़ों और चट्टानों से घिरा हुआ है और सबसे अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ये जगह कुछ और नहीं बल्कि प्राकृतिक दृश्य से भरी हुई है। यहाँ पर्यटकों के लिए स्नान करना एक अद्भुत अनुभव होता है। ये सर्दियों के दिन ग्रुप और पारिवारिक पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये वाटरफॉल नयागढ़ का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। नंबर पाँच पर आता है रणपुर। नयागढ़ से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रणपुर ऐतिहासिक विरासत के साथ विशेष स्थान रखता है। ये स्थान पर्यटकों के लिए कई सुखद प्रवेश द्वार प्रदान करता है। मैना की पहाड़ी के ऊपर देवी मणिनाग का भव्य मंदिर एक जीवित शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा रणपुर में कई अन्य लोकप्रिय मंदिर भी है, जैसे एक सुंदर झरने के साथ असुर कुमारी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर जो रथ यात्रा के दौरान हजारों भक्तों का आगमन होता है। नंबर छः पर है बूढ़ा बुढ़ियाणी डैम। नयागढ़ में स्थित एक छोटा बांध है। ये बांध आसपास के स्थानीय लोगों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्पॉट है। दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए वहाँ गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। मॉर्निंग व्यू बहुत अच्छा है और फोटोग्राफ के लिए कुछ शानदार क्लिक लेने का एक सही समय है। एक आदर्श शॉट के लिए आसपास के शहर के फोटोग्राफर इस जगह पर आते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो परिवहन सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपने वाहन से आना सुनिश्चित करें। यदि आप बूढ़ा बुढ़ियाणी डैम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो छेनापोड़ का स्वाद लेना ना भूलें, एक प्रसिद्ध मिठाई जिसके लिए नयागढ़ ओडिशा में प्रसिद्ध है। नंबर सात पर आता है बाईसपाली वन्यजीव अभयारण्य। 6 मई 1981 को बाईसपाली वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई थी। ये वन्यजीव अभयारण्य सातकोसिया गर्ज अभयारण्य के करीब स्थित है। ये अभयारण्य लगभग 168.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये वन्यजीव अभयारण्य हाथियों, भालू, तेंदुए, चीतीदार हिरण और सांबर हिरण जैसे कुछ अद्भुत जंगली जानवरों का घर है। नंबर आठ पर सुनामही डैम और सुनामही पार्क। पर्यटन स्थल खंडपड़ा वन रेंज में स्थित है। एक खंडपड़ा शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और नयागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बांध के एक तरफ हरे भरे जंगल की पहाड़ी और दूसरी तरफ सुनामही पार्क है। ये पानी के स्टोरेज के लिए एक लघु सिंचाई परियोजना है। ये स्थान पर्यटकों को सर्दियों में यहाँ आने के लिए एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण के लिए आकर्षित करता है। सर्दियों के मौसम में वीकेंड के लिए
एक अच्छी जगह है। नंबर 9 पर है गोकुलानंद मंदिर। ये खंडपड़ा ब्लॉक में सिद्धमूला ग्राम पंचायत के पास स्थित है। गोकुलानंद का मंदिर महानदी के तट पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इसकी स्थापना स्वर्गीय श्री बाबा स्वामी राम लक्ष्मण दास महाराज ने की थी। पहाड़ी और सिद्धमूला पुल से पहाड़ी और महानदी के बहते पानी का मनोरम दृश्य देखना अच्छा लगता है। पहाड़ी ऊंचे पेड़ों और औषधीय पेड़ों से भरी हुई है। नंबर 10 पर आता है माँ दक्षिणकाली मंदिर। नयागढ़ शहर में दो खाड़ी पहाड़ी श्रृंखला है जहाँ दक्षिणकाली मंदिर स्थित है। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। नयागढ़ शहर में माँ दक्षिणकाली मंदिर जीवित शक्तिपीठ माना जाता है।